प्रश्न 27, कोण एबीसी की माप 70 डिग्री है तो पुनर्युक्त कोण एबीसी की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न 27 में दिया हुआ है कोण एबीसी की माप 70 डिग्री, मान लीजिए यह है 70 डिग्री का कोण, ठीक है, मान लेते हैं यह है कोण एबीसी, इसको हम लिख लेते हैं ए बी सी, तो ये है कोण एबीसी 70 डिग्री। अब कह रहा है कि पुनर्युक्त कोण एबीसी की माप ज्ञात कीजिए, तो पुनर्युक्त कोण एबीसी क्या हो जाएगा, देखिए यहां से लेके यहां तक का कोण, देखिए यहां से यहां तक जो कोण है पुनर्युक्त कोण एबीसी है उसका मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण होता है, देखिए ये पूरा कोण कितना होगा 360 डिग्री, ये पूरा देखिए ये पूरा कोण होगा 360 डिग्री, ठीक है, ये पूरा कोण कितना होगा 360 डिग्री, एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण होता है, तो पुनर्युक्त कोण एबीसी, तो एबीसी कितना दिया हुआ है, कोण एबीसी 70 डिग्री है, तो पुनर्युक्त यानी यहाँ से हमें यहाँ तक का कोण निकालना है, ठीक है, यहाँ से हमें कहाँ तक का, यहाँ तक का कोण निकालना है, यानी 360 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा देंगे, क्योंकि 70 डिग्री है इतना और ये पूरा होता है 360 डिग्री, तो पुनर्युक्त यानी पुनर्युक्त कोण एबीसी यहाँ से लेकर के, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण निकालना है, तो लिखेंगे पुनर्युक्त पुनर्युक्त कोण एबीसी बराबर 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री कर देंगे। तो पुनर्युक्त कोण जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, 360 डिग्री में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य में से शून्य गया शून्य, 16 में से 7 गया 9, ये हो गया 2, यानी 290 डिग्री। तो पुनर्युक्त कोण एबीसी कितना हो जाएगा 290 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा 290 डिग्री, क्योंकि 290 डिग्री और 70 डिग्री क्या होगा 360 डिग्री अगर जोड़ देंगे तो पुनर्युक्त कोण 360 डिग्री का होता है। तो पुनर्युक्त कोण एबीसी बराबर 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी 290 डिग्री। तो पुनर्युक्त में क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो एक कोण दिया हुआ है देखिए 70 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो पुनर्युक्त कोण एबीसी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी 290 डिग्री, क्योंकि एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण होता है जिसको कि संपूर्ण कोण कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा 290 डिग्री, पुनर्युक्त कोण एबीसी बराबर 290 डिग्री। प्रश्न 28, कोण PQR की माप 120 डिग्री है तो पुनर्युक्त कोण PQR की माप लिखें। कोण PQR की माप, देखिए PQR यहाँ पे P है, PQR तो कोण PQR की माप कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो पुनर्युक्त कोण PQR, अब देखिए यहां से लेके ये पूरा 360 डिग्री कोण बन रहा है इस बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो पुनर्युक्त कोण PQR, तो कोण PQR कितना दिया हुआ 120 डिग्री, तो पुनर्युक्त कोण PQR यानी यहां से लेकर के यहां तक का कोण, यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देंगे, तो लिखेंगे पुनर्युक्त कोण PQR बराबर 360 डिग्री माइनस
120 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? शून्य, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी 240 डिग्री। तो पुनर्युक्त कोण PQR बराबर आ जाएगा 240 डिग्री, यानी 360 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 240 डिग्री, यानी यहाँ पे कितना है? 240 डिग्री है पुनर्युक्त कोण। तो पुनर्युक्त कोण PQR बराबर कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। तो इस तरह प्रश्न 28 को हल करेंगे।